हेलो एवरीवन, तो चलो इस वीडियो में कवर करते हैं क्लास 12 अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। इस पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना इस पार्ट को और चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आप या तो ये क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में या फिर आप अपनी बुक का इलस्ट्रेशन 5 ओपन कर लो। मेरे पास जो बुक है वो 2019 टीएस ग्रेवाल की बुक है, 2019 की है, तो आपके बुक में भी यही क्वेश्चन होगा इलस्ट्रेशन 5 में, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ये जो दिया है 31 मार्च 2019 ये चेंज होगा, बाकी सब हो सकता है ऑलमोस्ट सेम ही होगा वैसे तो, पर ये डेट चेंज हो सकती है। हो सकता है 2020 हो या 2021 हो, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो बस डेट का ध्यान रखना है आपने, बाकी क्वेश्चन यही होगा। इलस्ट्रेशन 5 ओपन कर लो अपनी बुक में या नोट कर लो, जैसा भी सही लगता है वैसे कर लो। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन, कि फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फ्रेंड्स क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फ्रेंड्स क्लब का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है और ये हमको रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में डालनी है। तो रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते कैसे है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जिसका हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। हमें फ्रेंड्स क्लब का बनाना है तो हम फ्रेंड्स क्लब लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसके आगे ही लिख देंगे या नीचे भी लिख सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। आई एम रियली सॉरी मेरी बेकार हैंड राइटिंग के लिए, बट मैं इसको ठीक नहीं कर सकती, तो जैसा है वैसे चला लेते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलो फॉर्मेट कैसा बनता है इसका, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, यहाँ पे हमारे रिसीट्स आएंगे, यहाँ अमाउंट, यहाँ पेमेंट, यहाँ अमाउंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमको क्या दिया है, कैश दिया है, कैश एज एट 1 अप्रैल 2018। तो ये जो कैश है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो ये रिसीट में आ जाएगा। टू बैलेंस बी बाई डी कितना है, 10,500। आगे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 800 फॉर 2017-18 एंड 1200 फॉर 2019-20 और 43,000 है टोटल। तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे हम यहाँ पे, हमको 2017-18 की कितनी है 800 है, 2018-19 की कितनी है नहीं गिवन है, अभी निकालते हैं, 2019-20 की कितनी गिवन है 1200 और 1800 कितने हो गए 2000 हो गए, लेकिन अमाउंट हमें कितना दिया सब्सक्रिप्शन में टोटल 43,000, ये 2000 हो गया और अमाउंट टोटल कितना, मतलब ये टोटल आना चाहिए 43,000, जब ये 2000 हो गया तो बचा कितना 43,000 माइनस 2000 कितना हो गया 41,000, तो ये 2018-2019 की सब्सक्रिप्शन कितनी है 41,000। अगला है ग्राउंड मेंटेनेंस फी, ये हमने पेमेंट करी है, पेमेंट हुई है ये हमारी, कि हमारी ग्राउंड मेंटेनेंस फीस कितनी थी वो हमने पेमेंट करी है, कितनी है, अरे ₹4,400। आगे एडमिशन फी, किसी ने एडमिशन लिया हमारे एनपीओ में तो उसने हमको पैसे दिए, एडमिशन फी तो हमको मिली, तो ये हमारी रिसीट्स में आएगा, कितना 8,000। अगला है सैलरी, हमने सैलरी पे करी तो ये पेमेंट हुई 12,000 पेमेंट। अगला है ड्रामेटिक्स प्ले एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस पेमेंट में आएंगे, ड्रामेटिक्स प्ले एक्सपेंसेस कितने हैं 9,000। अगला हमारा आता है लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी हमको मिली है
कितनी है? 2000। अगला है न्यूज़पेपर परचेज, हमने न्यूज़पेपर खरीदे हैं, खर्चा किया है, कहाँ आएगा पेमेंट पे? बाय न्यूज़पेपर्स, कितने के खरीदे हैं हमने? 3000 के। अगला है बुक्स परचेज, बुक्स खरीदी, खर्चा किया कितना? 2000। अगला है डोनेशन रिसीव्ड, हमको डोनेशन मिली, रिसीव हुई, तो पेमेंट रिसीट आई हमारे पास, हमको मिली है कितनी? 10000। 10000 डोनेशन हमको मिली है। टूर्नामेंट फी, टूर्नामेंट फी हमको मिली है, दी है किसी ने टूर्नामेंट के लिए फी, 30000। अगला क्या है? म्यूनिसिपल टैक्सेस, टैक्स पे करे, कितना? 800। अगला है चैरिटी गिवन, चैरिटी हमने दी, हमको मिली नहीं, चैरिटी गिवन हमने दी, कितनी? 7000। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, पूरा वही फॉर्मेट बनेगा। चैरिटी गिवन तक हो गए थे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने पुराने न्यूज़पेपर की सेल करी तो हमको कुछ पैसे मिले होंगे ना, जब आप पुराने न्यूज़पेपर बेचते हो तो पैसे मिलते हैं ना, तो रिसीट साइड पे आ जाएगा, ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। कितने की सेल करी हमने? 900 की। सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, ओल्ड बुक्स हमने सेल करी, कितने की करी? ओल्ड बैट्स है, सॉरी ओल्ड बैट्स, 1000 के, 1000 के ओल्ड बैट्स हमने सेल करे। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट करी, बाय 12% जनरल इन्वेस्टमेंट करी, कितने की करी? एक मिनट, 10000 की। अगला है 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड पे इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट कितनी? 30000। खर्चा है ये, इसलिए पेमेंट साइड में आएगा। अगला है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो पेमेंट साइड में आएंगे, कितने के हैं ये? 24000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कॉस्ट थी उसकी 2000, 1200 का हमने बेच दिया, ओल्ड फर्नीचर हमने बेचा तो हमको तो फायदा ही हुआ, कॉस्ट थी 2000 लेकिन हमने जितने का बेचा उतना अमाउंट आएगा, ठीक है। अगला आता है बैट्स एंड बॉल्स परचेज, परचेज किए, खर्चा किया, तो बाय बैट्स एंड बॉल्स 14000। अगला आता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ड्रामेटिक टिकट्स, क्या है ये? कि हमने सेल करी ड्रामेटिक टिकट्स की, सेल करी तो रिसीट हो गई, कितने की सेल करी हमने? 19000 की। अगला आता है इंटरेस्ट ऑन 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर हमको इंटरेस्ट मिला 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का, कितना मिला ये हमको? मिला 250, और 12% मिला हमको टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना मिला? 750। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज, प्रिंटिंग और स्टेशनरी हमने परचेज करी, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज करी तो पेमेंट 2000। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किया, बाय फर्नीचर 5000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर गवर्नर पार्टी, सब्सक्रिप्शन मिली, रिसीव बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर
गवर्नर्स पार्टी के लिए हमको सब्सक्रिप्शन मिली कितनी? 59,000। अब हमको क्या करना है, हमको ये साइड, ये वाली पूरी साइड, पीछे भी था इसका, ये पूरी साइड टोटल करनी है, ये पूरी साइड टोटल करनी है और देखना है किसका अमाउंट ज्यादा आता है। इसका अमाउंट ज्यादा आएगा 185,600, तो ये अमाउंट भी टोटल इतना ही होना चाहिए। और जो इस अमाउंट में से इन अमाउंट को टोटल करके जो आया, उसमें से हम इस अमाउंट में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बैलेंस सी बाई डी, कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। बैलेंस सी बाई डी आ जाएगा हमारा 62,400, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है जो हमने इसमें से इन सब का टोटल माइनस किया है, वो कौन सा है? 62,400। तो ऐसे बनता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप समझ आ गया होगा, इससे ज्यादा इसमें समझने की कोई जरूरत, मतलब कोई चीज थी नहीं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हम एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे कि पहले रिसीट पेमेंट सीख लिया, इनकम एक्सपेंडिचर सीख लेते हैं, बैलेंस शीट सीख लेते हैं, एक एक करके इस वाले पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन हम अलग से पार्ट बनाएंगे उसमें करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपकी बुक का और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है उससे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मेट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिस भी साल का बना रहे हैं, इसमें हमको ईयर गिवन नहीं है इसलिए हम ये ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ये लिखना जरूरी है, अब हमेशा लिख के आएंगे एंडेड। डेबिट, ये होती है हमारी एक्सपेंडिचर साइड। अमाउंट, ये होती है हमारी इनकम साइड। अमाउंट, ये होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। फीस कलेक्ट हुई हमको 380,000 की, जिसमें 80,000 जो थे वो पिछले साल के थे। और सेकंड पॉइंट में लिखा है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 10,000, और फीस जो है वो आउटस्टैंडिंग भी है 10,000 के लिए उसी साल की। तो फीस कलेक्ट हुई, इनकम बाय फीस कितनी कलेक्ट हुई, टोटल लिखिए 380,000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, हमारे एंड के लिए जो आउटस्टैंडिंग थी, जो हमको दिया है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, उसी साल की फीस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर देंगे, ये टोटल आ जाएगा हमारा 390,000। और इसमें हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, कि बिगनिंग में हमारे पास कितनी, बिगनिंग वाली लेस होगी, प्रीवियस ईयर की बिगनिंग वाली थी तो वो प्रीवियस ईयर वाली लेस होगी और उसी साल वाली ऐड होगी, तो ये माइनस कर देंगे 310,000 आंसर आ जाएगा। आगे लिखा है सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। सैलरी हमने पे करी 28,000, जिसमें से 3,000 हमने पिछले साल की भी पे करी। और एक और चीज लिखी है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल फीस की तरह की सैलरी जो एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है वो 1,000 है, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग लेस हो जाएगा, और सैलरी है खर्चा है इसलिए एक्सपेंडिचर साइड में। तो टू सैलरी कितना 28,000, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड 1,000, ये हो गया 29,000, और लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग 3,000, तो ये आ गया हमारा 26,000। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, सॉरी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं 3,000 के। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हैं
इसलिए एक्सपेंडिचर में आ गया 12,000 के। मीटिंग एक्सपेंसेस एटीन थाउजेंड के। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सिक्स थाउजेंड के। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। हमने बुक्स और पीरियोडिकल्स परचेज करे जिसमें से 19,000 जो हमने बुक्स के लिए परचेज करे वो इंक्लूड है उस अमाउंट में। हमने जो 29,000 के बुक्स और पीरियोडिकल्स परचेज करे हैं उसमें 19,000 जिसकी जो हमने बुक्स खरीदी है वो इंक्लूड है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, टू बुक्स एंड पीरियोडिकल्स ये है 29,000। इसमें हम लेस कर देंगे परचेज ऑफ बुक जो कि हमारे 19,000 के हैं। हम क्यों लेस करेंगे, थ्योरी पढ़ी थी ना, याद होगा। परचेज ऑफ बुक्स जो होता है, बुक्स जो परचेज हम करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं, इसलिए जो परचेज ऑफ बुक्स है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, 29,000 में से 19,000 माइनस कर दिए, 10,000 आंसर आ गया। अगला आता है रेंट। रेंट पे किया एक्सपेंडिचर टू रेंट 10,000। पोस्टेज एंड टेलीफोन्स टू पोस्टेज एंड टेलीफोन्स 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन मिली है तो इनकम साइड पे आ जाएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड है और ये इनकम। डोनेशन रिसीव हुई कितनी 20,000। अब इनका टोटल कर लेते हैं 3,10,000 और 20,000 हो गए हमारे 3,30,000। ये टोटल करोगे तो आप इससे कम आएगा, ये करके देख लेना चाहे। 3,30,000 है तो यहाँ पे कम है इसका। 3,30,000 में से हम ये सारा जो भी टोटल आएगा इन सबको करके वो माइनस करेंगे। अगर इस साइड आया एक्सपेंडिचर साइड, मतलब हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो कम है हमारी इनकम से, तो हमको क्या मिला, हमको सरप्लस मिला, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 2,26,000 का। अगर ये साइड ज्यादा होती, एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होती, इनकम साइड कम होती, तो हम यहाँ पे बाय डेफिशिएंट लिखते, यानी कि हमको लॉस होता जितना भी अमाउंट आता उतने का। तो ये था हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपका, और हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट, ठीक है, फॉर द क्लब ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए बनाना है हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और हमें ये रिसीट्स एंड पेमेंट बना के दे दिया है, हमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, ये भी हमें ध्यान में रखनी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर, वही आपको पता है क्या क्या लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिखना। स्टार्ट करते हैं, क्या दिया है हमको, टू डोनेशन फॉर पवेलियन, ये तो हमारा उसमें इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। गवर्नर पार्टी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे आ जाएगा गवर्नर पार्टी एक्सपेंसेस 2,40,000। अब इसमें देखो हमको क्या दिया है, नीचे
हमको लिखा है रिसीट साइड में कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी, गवर्नर पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन हुआ है 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन हुआ है गवर्नर पार्टी के लिए, वो हम इसमें से लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी 2 लाख। और देखो इसमें एक लाइन नीचे दी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है गवर्नर पार्टी के लिए, किसके लिए, गवर्नर पार्टी के लिए, कितनी 30,000, ये भी हम इसमें से लेस कर देंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा 10,000। गवर्नर पार्टी एक्सपेंसेस आ गए हमारे एक्सपेंडिचर में, इसमें से हमने लेस कर दिया कंट्रीब्यूशन जो किया था, और सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हमने इसमें से लेस कर दिए। और रिसीट साइड में हमारी लिखी है टू डोनेशन, डोनेशन फॉर पवेलियन जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन था, इसलिए हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ सिंपल डोनेशन है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, एक नॉर्मल डोनेशन है, इसलिए ये हमारी इनकम साइड में आएगा 5,000। अब आप बोलोगे ये टैली नहीं हो रहा है, इसमें हमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था, इसमें हमें सरप्लस नहीं निकालना था, सिर्फ इतना बना करके हमको छोड़ देना है, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, डेफिशिट आ जाएगा हमें यहाँ पे 5,000 का, बाय डेफिशिट 5,000 लिख सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट लिखते हैं इसमें हम 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट में भी दो साइड होती है, एक होती है हमारी लायबिलिटीज अमाउंट और दूसरी होती है हमारी असेट्स। हमारी जितनी भी लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगी, असेट्स हमारे असेट साइड में आ जाएंगे। अब देखो जो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा असेट साइड में आता है कि अभी तक वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमको अभी मिलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, गवर्नर पार्टी के लिए जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है यानी कि अभी हमको मिलना है वो, तो वो असेट साइड में आ जाएगा 30,000। और जो था अमाउंट स्पेंट ऑन पवेलियन 20 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कम्प्लीटेड। देखो अभी तक 20 लाख का जो हमने स्पेंड किया था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, कि जो अमाउंट हमने स्पेंड किया था पवेलियन के लिए 20 लाख, वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अभी तक प्रोग्रेस में है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो अमाउंट अभी तक पूरा लगा नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे असेट साइड में भी शो करेंगे, पवेलियन इन प्रोग्रेस 20 लाख, ठीक है। और देखो लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल फंड, क्या निकालते हैं, कैपिटल फंड हमको निकालना होता है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको, कितना दे रखा है कैपिटल फंड, थर्ड पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2018 वाज 10 लाख, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख का हमको दे रखा है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड की, जो हमें पवेलियन फंड से ट्रांसफर हुआ है, यानी कि वो अमाउंट, कौन सा अमाउंट, कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क था 20 लाख हमने स्पेंड करे थे पवेलियन फंड के लिए 20 लाख, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा सीधे कैपिटल फंड में, क्योंकि वो अमाउंट अभी हमारे पास है, अभी तक वो पूरा खर्च नहीं हुआ है, वो असेट साइड में भी आएगा और हमारे कैपिटल फंड में भी ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड 20 लाख यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ये हो गया हमारा 30 लाख। आगे क्या दिया है, पवेलियन फंड का भी हमें एक बनाना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में ये सारी चीजें हमारी जाती है बैलेंस शीट की, ओपनिंग बैलेंस हमको दे रखा है पवेलियन फंड का, पवेलियन फंड एज एट 31 मार्च 2018 40 लाख हमको दे रखा है,
और इसमें हम डोनेशन जो हमको मिली थी वो हम ऐड कर देंगे। डोनेशन कितनी मिली है हमको, 2 डोनेशन फॉर पवेलियन, रिसीट साइड में देखो 10 लाख की डोनेशन मिली है हमको। और जो हमने कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया वो हमने एक बार यहाँ लिख लिया है, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है तो वो हम माइनस कर देंगे यहाँ से, जो हमने कैपिटल फंड को ट्रांसफर किया वो इस 40 लाख में इंक्लूडेड है, इसलिए हमको वो माइनस करनी पड़ेगी। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 30 लाख। तो ये आपकी बैलेंस शीट रेडी है, इसको भी आपको टैली नहीं करना है। तो ये बना लिया हमने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए, ठीक है। इसमें हमें दो केस दिए हैं, केस 1 और केस 2, और हमें इन दोनों केस के लिए फर्नीचर अकाउंट बनाना है। दो फर्नीचर अकाउंट बनाने, पहले केस 1 के लिए, एक दूसरे केस 2 के लिए। ये इसलिए सिखाया जाता है कि जब आप पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हो तो उसमें ऐसे फर्नीचर से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज होती है, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट्स बनाने आने चाहिए। तो वो वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे, कि फर्नीचर से रिलेटेड या किसी भी असेट से रिलेटेड अगर कुछ एंट्रीज हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे केस 1 के लिए फर्नीचर अकाउंट। बहुत ही बुरा बना है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, फॉर्मेट बन गया हमारा। सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ₹2,20,000 की फर्नीचर 2018 अप्रैल 1 को इसकी जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस यानी टू बैलेंस BYD, हम इस साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 2,20,000 डेबिट साइड में। उसके बाद हमें क्या बोला है, फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2018 20,000, जो बुक वैल्यू थी उस फर्नीचर की उस डेट को वो थी 20,000, और उसको हमने सोल्ड किया बुक वैल्यू पे, सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट पे हमने उसको सोल्ड कर दिया 31 दिसंबर 2018 को। तो इस दिसंबर 2018 को हमने उसको सोल्ड कर दिया। आगे क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 फॉर 1 लाख, कि फर्नीचर जो हमने परचेज किया, फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 लाख का फर्नीचर हमने और परचेज किया, और लिखा है चार्ज डेप्रिशिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, कि दोनों फर्नीचर पे हमें 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पहले एक एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे, कि अक्टूबर 1 को हमने एक 2 बैंक अकाउंट से यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में परचेज किया है 1 लाख का फर्नीचर, और परचेज किया तो डेबिट साइड में। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने पहले तो बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, हमने बेची ना 20,000 का बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है। 9/12 क्यों लिखा है मैंने, कि हमने अप्रैल को खरीदी, अप्रैल को थी और दिसंबर में हमने सोल्ड कर दी, तो हमने कितने महीने यूज करी है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने, इसलिए हम पहले बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% 9 महीने के लिए जो हमने यूज करी है 1500। तो क्या आ गया इसका आंसर 1500। अब देखो, अब हमने वो सोल्ड करी थी 20% प्रॉफिट पे सोल्ड करी थी, वो दिसंबर 31 में 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड करी थी। तो ये जो प्रॉफिट है ये हमारा कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में,
ऑन रुपीज, ये 18,500 कहाँ से आया? 20,000 की उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन 1,500 रुपए का उस पर क्या लग गया था? डेप्रिसिएशन। इसलिए कितना बचा उसका अमाउंट? 18,500। तो 18,500 के 20% पे हमने उसको सेल, मतलब उतना हमें प्रॉफिट हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ हमें 18,500 का 20%, उतना हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 3,700 का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब जो हमने सेल करी थी, उस सेल की एंट्री हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे कि बाय बैंक अकाउंट हमने सेल कैसे करी, 20,000 माइनस 1,500, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, प्लस में सेल करा तो प्रॉफिट भी हुआ ना, 20% ऑफ 18,500 प्रॉफिट भी हम ऐड करेंगे। ये तो सेल वैल्यू थी, ये प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, टोटल क्या निकल आ जाएगा? 22,200। अब हमने डेप्रिसिएशन एट द एंड, जो हमें बोला है कि ईयरली हमको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पूरी मशीन पे तो चार्ज किया ही नहीं, अभी तो हमने बुक वैल्यू पे चार्ज किया था जो हमने 9 महीने के लिए यूज करी थी, अब बाकी मशीन पे भी तो चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो 2,00,000 की उसकी और एक्स्ट्रा जो वैल्यू थी उस पे भी तो हम एक साल का चार्ज करेंगे, 20,000 पे तो हमने कर दिया, लेकिन 2,00,000 फॉर 1 ईयर, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% का, कितना आ जाएगा ये? 2,000। और जो हमारी 1,00,000 की जो दूसरी मशीन हमने खरीदी थी, कब खरीदी थी हमने? अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, यानी मार्च 31 तक, अप्रैल तक ही हो गए, कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने के लिए हमने ये यूज करी, तो 10% और 6 महीने के लिए, इसका अमाउंट आ जाएगा हमारा, ये 20,000 होगा सॉरी, और ये आ जाएगा 5,000, तो ये टोटल हो गया 25,000। अब बैलेंस शीट को हम टोटल कर लेंगे, ये अमाउंट आ जाएगा 323,700। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा, समझ जाना आप, मैं यहाँ ऐसे अलग से लिख रही हूँ, 48,700। और 323,700 में से 48,700 को माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा, मैं यहां लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख, बाय बैलेंस सी बाय डी टोटल आना चाहिए 323,700। तो 323,700 में से 48,700 माइनस किया, 275,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बैलेंस सी बाय डी यानी क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया उस फर्नीचर के लिए। तो ये केस वन था, केस वन समझ आ गया होगा सबको, केस टू देख ले, केस टू देखते हैं अब। फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2018 4,40,000 की, 31 मार्च 2018 को उसकी 4,40,000 की वैल्यू थी, बुक वैल्यू उसकी 40,000 की थी, 20% के लॉस पे, इस बार ध्यान दो, हमने इस बार लॉस पे बेचा है उसको, 31 दिसंबर 2018 में हमने लॉस पे बेचा है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम, उसको उस पे 10% का हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर कॉस्टिंग 3,00,000 वॉज ऑल्सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ज्यादा कुछ चेंज नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ लॉस आ गया, और यहाँ पे 3,00,000 का फर्नीचर हमने और खरीद लिया, वहां पे 1,00,000 का खरीदा था, तो ये सेम बनेगा, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, बस ऊपर लिख देना फर्नीचर अकाउंट। चलो बैलेंस कितना था 2018 अप्रैल 1 में, बैलेंस बी बाई डी ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1 4,40,000, ठीक है। और हमने परचेज किया था अक्टूबर 1 में, तो टू बैंक अकाउंट परचेज, तीन लाख
सब वैसे ही जैसे उसमें क्या आता है, हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बुक वैल्यू पे। सबसे पहले तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000 थी उसकी बुक वैल्यू, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना था। वही दिसंबर में हमने सोल्ड करी उसको, 9 महीने हमने यूज किया, आ गया हमारा अमाउंट 3,000। जो हमने सेल करी वो भी निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पहले निकाला था, बाय बैंक अकाउंट कर देना या सेल अकाउंट भी कर सकते हो। 40,000 माइनस 3,000, अरे पिछली बार हमें प्रॉफिट हुआ था इसलिए हमने उसको प्लस किया था। यहाँ पे देखो प्लस किया था 20% ऑफ 18,500। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमको लॉस हुआ है, हम माइनस करेंगे 20% ऑफ 40,000 माइनस 3,000 37,000 में से, ये आ जाएगा हमारा 7,400। पिछली बार हमको प्रॉफिट हुआ था तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में यहां से प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, इस बार हमने लॉस में किया है तो इनकम एक्सपेंडिचर यहां पे आ जाएगा क्योंकि हमको लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस ऑन सेल। कितना हुआ है लॉस, 20% ऑफ 37,000, ये कितना आया, सॉरी ये आया हमारा 29,600। 20% माइनस भी तो करना था, ये तो मैं भूल गई थी, 20% ऑफ 37,000 होता है 7,400। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन लगा देते हैं सब पे, लास्ट में साल के डेप्रिसिएशन भी तो लगाएंगे हम। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,00,000 पे एक साल का डेप्रिसिएशन, 4,00,000 का 10% हो गया 40,000, और 3,00,000 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, ये लग गया हमारा 15,000। कैसे निकाला, कुछ बच्चे पूछेंगे अभी, 10% और 6 महीने के लिए यूज किया, ऐसे आ गया 15,000। टोटल वैल्यू आ गई हमारी 55,000। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7,40,000। इसका टोटल करोगे, इसका टोटल आपका आएगा 95,000। तो 7,40,000 में से जब 95,000 को माइनस करोगे तो हमारा बैलेंस सी बाई डी निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 6,45,000। तो टोटल आ गया 7,40,000। तो बस यही था, ये हमारे दोनों फर्नीचर अकाउंट बन गए, केस वन और केस टू के। केस वन का आधा मैंने काट दिया है, ध्यान रखना उस बात का। चलो शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। तो अब हमें सीखना है कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं या सब्सक्रिप्शन का जो अकाउंट होता है वो हम कैसे बनाते हैं, या सब्सक्रिप्शन का जो वर्किंग नोट होता है जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो जो हमें बनाना पड़ेगा वो कैसे बनाते हैं, कैसे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एंट्रीज हम करते हैं। तो ये हमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि वो अमाउंट निकालना है सब्सक्रिप्शन का जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है हमको 2018 के लिए इतनी हुई है, 2019 के लिए इतनी हुई है, 2020 के लिए इतनी हुई है, और आगे ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 इतनी है, आउट ऑफ विच 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल, जिसमें से जो आउटस्टैंडिंग है 2018 की वो 35,000 है, जिसमें से 5,000 जो है वो रिकवर भी नहीं होगी। ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 20,000। 2019 के लिए जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली एडवांस में वो हमको 20,000 मिली। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 60,000, और 2019 के लिए जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है अभी भी वो है 60,000। तो चलो हम शुरू करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट,
सबसे पहले जो हमको सब्सक्रिप्शन मिली है वो हम लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट जो हमको बैलेंस दे रखा है कितना है 20,000 और 3,00,000 30,000 ये हमको मिली है पहले से, तो 3,50,000 ये हमने डाल दिया। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब आगे क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 वॉज 35,000 कि जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है उसको हम डाल देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 35,000। कितना 35,000 की हमें अभी तक आउटस्टैंडिंग है, 2018 की सब्सक्रिप्शन है इसलिए हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर जो आउटस्टैंडिंग उसी साल की होती जिस साल का हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, जिस साल का हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते। ये 2018 की है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अब आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ विच 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल, जिसमें से हमें 5,000 कभी मिलेगी ही नहीं जो कि रिकवर नहीं होगी, इसलिए हम उसको यहाँ पे डाल देंगे सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करनी पड़ेगी हमको वो कितना 5,000। अब आगे क्या लिखा है, ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 20,000 कि सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुई एडवांस में उसी साल की है इसलिए हम उसको लिख देंगे क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और जो अगले साल की रिसीव होगी हमको वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर सेम ईयर की है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000। आगे क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 60,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसी साल की है इसलिए क्रेडिट साइड में। अब एक चीज हमसे रह गई है, अब वो एक चीज हमसे क्या रह गई है कि जो लिखा था हमको फॉर द ईयर एंडेड, जो 30,000 का अमाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हमको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है वो कितनी रिसीव हुई है 30,000 की, और हम अकाउंट कब का बना रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं 2019 का, लेकिन अगले साल की 2020 की सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में रिसीव हो गई, तो अगर नेक्स्ट ईयर की रिसीव होगी वो डेबिट साइड में भी आएगी टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना 30,000। ये जो लिखा था हमने बाय बैंक अकाउंट इतना तो हमारे अकाउंट में पड़ा है, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है इसलिए हमको ये लिखना पड़ता है, लेकिन हर चीज की एंट्री हमें अलग से करनी होती है कब मार्च 31 में। अब इसको टोटल कर लेंगे, इसको टोटल करेंगे तो इसका आएगा 435,000, यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 435,000 लेकिन ये इससे कम है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 435,000 में से जब हम 35,000 प्लस 30,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3,70,000। तो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ऐसे बनाते हैं हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आ गया, फर्नीचर अकाउंट बनाना आ गया, मतलब असेट्स का अकाउंट कोई भी हो, इनकम एक्सपेंडिचर भी आ गया, बैलेंस शीट भी आ गई, रिसीट्स पेमेंट भी आ गई। तो थैंक यू, एक मिनट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू सो मच।